बीते शुक्रवार बेरी वाले सैयद पीर के स्थान पर निर्माणाधीन है कि इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार जीएस रूपाल ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर जता की वह दोपहर का भोजन ग्रहण किया। इस अवसर डॉक्टर रूपाल ने सभी धर्मों के लोगों को देश प्रेम व एकजुटता का संदेश दिया। इस मौके हाजी बाबा ने कहा, कोई भी धर्म आपस में विरोध करना नहीं सिखाता व इस्लाम में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाता है तो आपका खाना भी हराम है। अल्लाह ने हमें जो भी दिया है मिल बांट कर खाना चाहिए, इससे हमें शबाब मिलता है, हमारी हर दुआ भी कबूल होती है, लंगर कर रुशे ही परंपरा रहा है। हाजी बाबा द्वारा डॉक्टर रूपाल को सम्मान चिन्ह व सिरूपा भेंट कर सम्मानित किया गया। इंसान दे वास्ते जिंदगी दे विच अगर इबादत तो बाद कोई गल है दूसरी तो वो है उन्हां लोकां नूं जिहड़े जरूरतमंद ने उन्हां नूं भोजन छकाउणा। श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह ने भी ये लंगर की शुरुआत की और जिहड़ी अज बड़े पैमाने दे उत्ते चल रही है और कुल दुनिया के अंदर लोग ये इस रस्ते दे उत्ते चलन दे विच माण महसूस कर रहे हैं। हाजी बाबा दिलशाद अहमद साहब जिन्हों की मैं तारीफ करा, मेरे को इन्ने कीमती शब्द नहीं हैं जिस तरीके दे नाल इन्हां ने खिदमत नूं अपनी जिंदगी दे विच अपनाया होया वो साडे वास्ते एक तरह की मिसाल है। लगभग 25 साल हो गए इन्हां दी संगत माणदियां नूं, बड़ा कुछ इन्हां दे कोलों सीखण वास्ते मिलिया और मैं ये देखिया कि अज जिहड़ी चीज़ की जरूरत है परिवार के विच असी सारे जीआं नूं अपने नाल नहीं जोड़ के रख सकते, लेकिन ये हाजी बाबा जी की वडियाई है, इन्हां दा बड़ापन है कि यह अपना सारे लोगों नूं नाल लैके। मैं हैरान हाँ, कदे सुखमनी साहब का पाठ, कदे कुछ, कदे हैड ग्रंथी साहब आउंदे ने, कदे कोई आउंदा, कदे निहंग बाबे जिहड़े आउंदे ने उन्होंने गर्म पानी करके देंगे ने इनान वास्ते। मतलब मुद्दा जो है वो ये है कि इंसानियत की सेवा करना। तो मैं बड़ी खुशी होंगी इतने आके और मैं महसूस करता कि मैं कुछ देर जो नहीं भी आ सकता, मजबूरियां होंगे ने कई उन्होंने करके, लेकिन मैं महसूस करता मैं इतने आके बहुत चंगा लग्या। बाबा जी हर वेले हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मैं खुदा दी खिलकत है जिहड़ी उहदे मैं किस तरीके दे नाल खिदमत करां। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू दा खालसा, वाहिगुरू दी फतेह। अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। मेरे तरफ से गैर मेरे सरकार गौंस पाक दी तरफ से कि जो भी सेवा इंशाल्लाह जरूर हाजी बाबा दी करते रहेंगे, हर मोड़ पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह गैर मेरे सरकार की दुआ नाल। और डॉक्टर रूपाल साहब जी हैं, लेकिन मैं डॉक्टर रूपाल नहीं कहूँगा क्योंकि हमेशा इनको मैं फादर कहता था कि डॉक्टर साहब तेरे दो बेटे नहीं, हम तीन बेटे हैं, तो हमेशा इंशाल्लाह हमारा फादर है, डैडी है, तो हाजी बाबा भी फादर है ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी है कि स्थान पर आना चाहिए और नमाज जो नमाज के दिन शुक्रवार होता है नमाज भी पढ़ने के लिए आने चाहिए। और जो भी जो हमारा पंजाब के सोसाइटी है, हमारे पंजाब के लोग जो है अच्छे लोग हैं और मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि गैर मेल सरकार के गौंस पाक की दुआ नाल यहाँ बहुत अच्छे लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और स्थान पर भी आते हैं जो बाबा फरीद की जगह है, तो स्थान पर आके जो जो मुराद लेके जो जो आस लेके आते हैं वो सबकी मुरादें पूरी होती है, सबकी हाज़िरी कबूल होती है, क्योंकि हमेशा वीरवार के दिन इंशाल्लाह जो भी गैर सरकार के दरबार में आते हैं बाबा फरीद की जगह दरबार पर, तो इंशाल्लाह वो जो मुराद जो आस लेके आते हैं तो झोलियाँ भर के जाते हैं। कोई बे औलाद वस्ता है औलाद देती है, कोई बेरिज़क वस्ता है तो बाब रिज़क देता है, और इस दर से कोई खाली नहीं जाता, हमेशा इस दरबार में आना चाहिए। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जुमे का दिन बहुत ही मुबारक। लॉकडाउन से इस जगह पर इस खानकाह में ईद की नमाज, बकरा ईद की नमाज और जुमे की नमाज़ शुरू हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने मस्जिद का अमल अपना अमल इंटर भी हो गया इबादतगाह का, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा 250-300 लोग हैं जो कि इन चीज़ों से दूर हैं, गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी कोशिश हो रही कि हम उनको ट्यूशन भी दे रहे हैं। ये हमारे इमाम साहब हैं जो कि पाँचों वक्त की
नमाज अदा होती है और जुमे के दिन भी हमारा जुमा भी होता है यहाँ। अब हमने 6 हफ्तों से लंगर लगाना शुरू किया है जुमे के दिन। जैसे कहा कि इस्लाम में कि सलाम की आदत डालो और खाना खिलाओ, पहचान हो या ना हो, तो मैं तमाम लोहार मुल्तानी बिरादरी की ओर से और इस खानकाह में हमारा अब शुरू किया हमने काम और अपनी बाबा फरीद सरधर्म सेवा सोसाइटी की ओर से, तो मुझे उम्मीद है कि तमाम लोहार मुल्तानी बिरादरी इस नए काम में हिस्सा भी लें और मुझे साथ भी दें। तो दोस्तों, हमने 26 सालों में पंजाब में रहकर कोई शिकायत ऐसी नहीं दी कि जिससे कि हमारे वाले हमसे वहीं दूर। इस्लाम क्या है, हमारा विषय यही है कि इस्लाम में कई बातें हैं, जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आए ईमान वालों, ज़मीन वालों की हेल्प करो, अल्लाह तुम्हारी हेल्प करे। तो हमारा मिशन हमारा ये है कि इंसानियत का है। अच्छा, फिर हमारे साथ एरिए के लोग भी हैं माशाल्लाह, सभी लोग सिख धर्म के भी, हिंदू धर्म के भी, जो हमारे साथ में यहाँ एकता है हमारी बाबा फरीद सर्वधर्म सेवा सोसाइटी में सभी लोग हैं और सब मिलजुल कर त्यौहार भी मनाते हैं दोस्तों और साथ भी देते हैं। तो ये बहुत अहम बात है और मेरी सबसे इल्तिजा है कि अपने अपने एरियों में आप अच्छे काम करें, नेक काम करें, सबको लेकर चलें। और मैं अपनी तमाम लोहार मुल्तानी बिरादरी को, जो कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ भी हैं, छोटे हों या बड़े, तो मेरी एक इल्तिजा है, इच्छा है मेरी कि मैं सबसे मिलूँ और इस नेक काम में हम सबको साथ लगाएँ। तो दोस्तों, आज हम अकेले अकेले होकर कर रहे हैं काम, तो हमारे यहाँ इस्लाम में ज़कात खैरात बहुत होती है, अगर हम उसे सही तरीके में लगाएं, अपने एरियो में देखें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी मदद होए तो अल्लाह भी खुश होता है और इंसान भी। तो बाकी मैं और क्या कहूँ, सबसे मेरी इल्तिजा है तमाम लोहार मुल्तानी बिरादरी और मिर्जा मुल्तानी जो हैं, मैं सबको फिर एक बार अस्सलाम वालेकुम, और तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम अपने वालों को भी, बाहर वालों को भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस नए काम में ज़रूर हमारा साथ देंगे और इस खानकाह को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी वादल शाह फतेहगढ़ साहब, पंजाब सरन शरीफ, पंजाब।